फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आज तक का यूट्यूब पे सबसे आसान ब्लाउज कटिंग बताऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रही थी कि आप आर्महोल कितना लेते हो, ये जो क्रॉस पट्टी है ये बहुत लोग इसको तीरा बोलते हैं, बेल्ट बोलते हैं, ये कितने पे कटिंग करते हो। तो आप अगर नए हैं तो आपको सबसे पहले एक नाप ब्लाउज का लेना है जो बिल्कुल सही है आपका, जिस साइज का कटिंग करना है वो नाप लेना है। तो वो हमने नाप ले लिया, हमें बिल्कुल इसी के साइज से कटिंग करना है। ये बिल्कुल रेडी वाली है, फिटिंग भी है, ये बहुत फिटिंग है, वही नाप लें तो हमने ले लिया है। चलिए कटिंग शुरू करते हैं। हमें कोई इंची टेप नहीं लेनी है, हमें बिना इंची टेप के कटिंग करनी है। तो इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने नाप ले लिया इसको, यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है जो कि ब्लाउज का है। तो कोई भी मार्किंग हम उल्टा साइड से लगाते हैं तो इसको हम सीधा रखेंगे। ये बॉर्डर है तो बॉर्डर हम नीचे साइड देंगे, तो ऐसे डबल। उसके बाद जिस नाप का हमें बनाना है वो नाप लेना है, तो इसी नाप का बनाना है हमें, 1.5 से 2 इंच हमें मार्जिन के लिए। तो हमने इसको थोड़ा सा कम कर लेना है, ये देखिए, और बॉर्डर नीचे आना चाहिए। सफाई से इसको हम ऐसे डबल करके रख लेंगे। उसके बाद जिस नाप का बनाना है वो ब्लाउज उठाना है, इसके ऊपर डालना है ऐसे, ये देखिए। तो सबसे पहले हम पीछे वाला पल्ला का मार्किंग करेंगे, 1/2 इंच हम नीचे एक्स्ट्रा रखेंगे जो कि ये 1/2 इंच फोल्ड होगा, इसमें हम 1/2 इंच रखेंगे क्योंकि नीचे बॉर्डर है। अब ऊपर से हम मार्क लगाएंगे, ये देखिए हम कैसे लगाते हैं। इसको सही तरीके से यहाँ से आर्म होल गया है, ये हो गया रेडी वाला आर्म होल, और 1/2 इंच हम ऊपर बढ़ा के रखेंगे। ये सिलाई के बाद 1/2 इंच जाएंगे तो ये बिल्कुल रेडी आ जाएगी। अब यहाँ से मार्जिन, तो 1/2 इंच हम इस तरीके से मार्क लगाएंगे, नीचे इतना हम एक्स्ट्रा रखे हैं, टेकिंग लगेगी। उसके बाद यहाँ से साइड वाला, अब उसके बाद यहाँ से गला हमें बिल्कुल इसी साइज से बनानी है तो हम इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आर्म होल, देखिए आर्म होल की ये रेडी वाली है, तो 1/2 इंच हम बढ़ा के रखेंगे। उसके बाद ये वाला मार्किंग लेंगे ऐसे, उसके बाद इसको हम इससे मिलाएंगे, 1/2 इंच का इसमें हम गोलाई देंगे ऐसे पीछे के साइड। तो देखिए पीछे वाला मार्किंग लग गई है, अब इसमें हमें देना है टेकिंग पीछे साइड। तो ये ब्लाउज उठाएंगे, इसमें देखेंगे कहाँ से टेकिंग है, तो यहाँ से, और इसके बाद इसका लंबाई टेकिंग का ऐसे 1/2 इंच इस तरीके से। अब करते हैं इसकी कटिंग, चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम गला देखेंगे, गला बिल्कुल गोल कटिंग करना है ये। उसके बाद यहाँ से शोल्डर, उसके बाद आर्म होल देखना है। तो यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे, इतना हमने अब यहाँ से शेप देंगे, ये देखिए हमें ये बेल्ट ब्लाउज बनानी है। अब इसी को आगे वाले पल्ला की तरफ रखेंगे और कटिंग करेंगे। वाला पल्ला हमें इसी में बैठाना है, तो हम कैसे बैठाएंगे वो देखिए। तो यहाँ से देख लेंगे किधर साइड से हमें बैठाना है, तो एक हम इधर से निकाल लेंगे, एक उधर से निकाल लेंगे क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है। तो यहाँ से एक निकालते हैं, तो पहले ये वाला मार्किंग कर लेते हैं, इससे 1 इंच हमें आगे वाला को एक्स्ट्रा कटिंग करना है क्योंकि इसमें बेल्ट लगेगी, और यहाँ से इतना ये इधर एक्स्ट्रा। उसके बाद ये आर्म होल का मार्किंग, उसके बाद ये नेक की मार्किंग हम नहीं करेंगे क्योंकि नेक हमें उसी साइड से कटिंग करनी है, उसी साइज से। तो अब हम इसके साइज से पहले कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट वाली कटिंग करते हैं तो थोड़ा कपड़ा कम हो जाता है, तो अगर थोड़ा बड़ा साइज का बनाते हैं तो आप इस तरीके से सब साइड से निकाल सकते हैं। तो एक पल्ला ये हो गया, अब गला इसका कटिंग करेंगे। तो गला के लिए, आगे वाले के लिए हमें इसी को उठाना है और इसी साइज से हमें कटिंग करना है। तो देखिए
इस तरीके से मार्किंग हमने गला का कर लिया है। ये देखिए, अब इसको देख लेते हैं। इस पे रख करके शोल्डर हमें दोनों सेम चाहिए, इसलिए इसको हमें इसके ऊपर डालना होगा। तो ये हमने डाल दिया है, अब कटिंग कर लेते हैं। ये तो ये हमने कटिंग कर लिया आगे वाला पल्ला। अब इसी तरह से दूसरा पल्ला कटिंग करेंगे और उसके बाद हम बेल्ट क्रॉस पट्टी, जो भी आप बोलते हैं, तीरा बोलते हैं, वो उसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसको रख के इस पर सेट करके एक और कटिंग करते हैं। दूसरा पल्ला हमने इधर से बैठा लिया है। देखिए यहाँ थोड़ा सा बॉर्डर भी आएगा तो कोई नहीं, ये स्टिचिंग में चला जाएगा। इधर से ही बैठ रहा है तो बाजू निकल रहा है। इधर से हम एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे, गला इसी के साइज से। फिर इधर से थोड़ा सा ये पीस छोटा है, ये देखिए आगे पीछे का निकल गया। अब हमें बाजू की कटिंग करनी है, तो ये बचा हुआ फैब्रिक से बाजू निकालेंगे। साइड से निकला है, इससे हम बाजू बनाएंगे। तो बाजू कैसे निकालते हैं, नए लोग को इसी में प्रॉब्लम होती है। जो भी साइड वाला निकलेगा उसको ऐसे, हमने इसमें थोड़ा ज्वाइंट कर लिया है क्योंकि साइड में घटे नहीं, इसको ऐसे लेना है। उसके बाद इसको ऐसे करना है फोर फोल्ड। उसके बाद अब बाजू निकालना है, तो चलिए बाजू निकालते हैं। थोड़ा सा इसको इधर से कम कर लेते हैं। उसके बाद इसको ऐसे डबल करेंगे, उसके बाद देखेंगे बाजू। तो हमें इससे थोड़ा सा छोटा बाजू बनाना है, इतना पे मार्क लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। उसके बाद इसको हमें इसके ऊपर डालना है फिटिंग के लिए, ये मार्जिन के लिए। ये अब इस पे हम कटिंग करेंगे सेम इसी के। देखिए यहाँ से हमने लिया है, अब यहाँ से थोड़ा सा और शेप दे देंगे। ये एक बाजू ये हो गया, एक बाजू ये हो गया। अगर कम ज़्यादा हो तो आप साइड में जॉइंट लगा लेंगे। ये देखिए ये हो गया आगे वाला। और ये दूसरे साइड वाला, ये देखिए दोनों साइड का दोनों बाजू हो गया। अब हमें इसमें बेल्ट पहले कटिंग करते हैं, जिसे हम तीरा बोलते हैं, आप तीरा भी बोलते हैं उसको। ये देखिए यहाँ अब हमने ये ले लिया। अब आगे वाले को समझिए, हमें ये ब्लाउज उठाना है, इसमें देखना है तीरा। यहाँ से इसको पहले हम ऐसे रखेंगे, ये यहाँ से इतना सिलाई में जाएगा, इतना नेक का सिलाई आएगा। यहाँ से मार्किंग, तो एक मार्किंग यहाँ लगा लेंगे, ये जो टेकिंग जाएगा इसका दोनों का, तो इसी साइज से हम दोनों का टेकिंग लगाएंगे, ये वाला। अब उसके बाद नीचे वाला देखेंगे बेल्ट कितना पे है, तो इसका हमें हुक को खोल लेना है। तो ये हमने हुक को खोल लिया। अब हमें यहाँ से उठाना है और यहाँ से बेल्ट गई है, तो ये और ये। अब इसी को हमें साइज ऐसे लेना है बेल्ट का। उसके बाद इसको हमें इसके ऊपर डाल देना है बिल्कुल बराबर से। ये देखिए इसको बिल्कुल बराबर से यहाँ पे रखना है ऐसे। उसके बाद ये देखिए, तो ये हो गई बेल्ट की मार्किंग, समझिए। और उसके बाद अब यहाँ से हमें
ये उठाना है फिर, और इसको देखना है कहाँ से टेकिंग लगी हुई है। तो एक टेकिंग यहाँ से है लगी हुई, तो यहाँ से एक हो गई। उसके बाद अब हमें सेम इसी का इसमें लगाना है, तो पहले एक में लगा लेते हैं, फिर एक पट्टी छोड़ के एक इंच यहाँ से लेंगे, और इसकी लंबाई हमें 4 से 4.5 इंच लेनी होती है। ये 3 टेकिंग हो गई। अब यहाँ से 2 इंच छोड़ के एक लेनी होती है, ऐसे सब टेकिंग हमने लगा दिया। अब इसी को इसके ऊपर डाल देंगे, बिल्कुल बराबर एक जैसा हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे, ये सारे टेकिंग लग गई है। अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। इसे आप लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने तीरा की कटिंग नहीं किया, आपने बेल्ट की कटिंग नहीं किया, आपने पट्टी की कटिंग नहीं किया, इसे ही हम बोलते हैं। तो देखिए ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो एक हमने कटिंग कर लिया, फिर हम दूसरा कर लेंगे। ये तो यहाँ हमने कटिंग कर लिया, हुक पट्टी, कास्ट पट्टी और गला की पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये वाला फैब्रिक जो है इधर से 1 इंच चौड़ी, ये हुक की पट्टी, 2 इंच चौड़ी ये कांच की पट्टी। ये देखिए एक हुक पट्टी हो गई, एक कांच पट्टी हो गई, और गला, गला पे हम लगाएंगे पाइपिंग। तो इसमें हम गोल्डन कलर की पाइपिंग लगाएंगे। गला पे पाइपिंग जो लगाएंगे उसके लिए ये हमने फैब्रिक ले लिया है गोल्डन कलर का। इस पर हमने आयरन नहीं किया, ये थोड़ा सा चूर हो गया है, मैं ऐसे रख दिया था। तो देखिए कैसे पाइपिंग कटिंग करते हैं, इस तरीके से लेना है। लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ब्लाउज को सिला कैसे जाएगा और पाइपिंग कैसे लगाना है, वो सारी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा। 2-3 पट्टियाँ इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने 3 पट्टियाँ कटिंग कर ली है, इसी तरह 3-4 कटिंग कर लीजिएगा जितना नीक में लगेगा। तो हो गई सारे कटिंग कंप्लीट। अब इसकी पूरी भूल भी दिखाती हूँ। क्वेश्चन और रहता है कि इसमें आपने गोलाई कितना इंच का देना है आर्महोल में आगे वाले पल्ले में। तो यहाँ पे गोलाई जो देंगे हम गहराई, ये हमें 1/2 इंच का देना होता है। तो देखिए यहाँ से ऐसे लेना है और ये गहराई हमें 1/2 इंच ही देना है, ज़्यादा नहीं देना है, ये गहराई 1/2 इंच का ही होता है। तो देखिए यहाँ से हम ऐसे लेंगे, आगे वाले पल्ले में सिर्फ गहराई देते हैं जिससे हमारे बाजू में झोल नहीं आती है और फिनिशिंग आती है। तो ये गहराई हमने दे दिया। अब इसकी पूरी फुल व्यू दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स सारे कटिंग हो गई कम्प्लीट। ये है पीछे का पल्ला, ये दोनों हैं आगे का पल्ला, ये दोनों हैं बाजू, ये गला में जो पाइपिंग जाएगी वो है, और एक है कांच की पट्टी और एक है हुक की पट्टी। तो आज की ये ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो करना इस वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कुछ पूछना है तो नीचे कीजिएगा कमेंट। इससे पहले हमने बहुत सारे कटिंग स्टिचिंग शेयर किया हुआ है, ब्लाउज की, सूट की, प्लाजो की, हर लेडीज ड्रेस की कटिंग शेयर किया हुआ है और सिलाई भी। आप जाइए मेरे चैनल पर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कटिंग स्टिचिंग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।